गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हरिओम। वेलकम टू माय क्लास फिफ्थ स्टैंडर्ड, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 9। आज सबसे पहले आप सबको, ऑल ऑफ यू माय स्टूडेंट, हैप्पी न्यू ईयर एंड हैप्पी दिवाली। मैं सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट कर रही हूँ, चैप्टर 9। आपने 1 से लेके 8 तक फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट किया, ओके। और अब आपका नया साल चालू हो गया है। मेरी सबके लिए विश है कि सारे बच्चे घर में स्वस्थ रहे, अच्छी तरह से मन लगा के पढ़ाई करें और फर्स्ट से फर्स्ट रैंक लाए, ओके। सभी बच्चों को मेरी तरफ से नए साल की बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं, ओके। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे, सेकेंड सेमेस्टर चालू करेंगे। 9 चैप्टर है, कैसा सो, ओके बच्चों। तो आप सब इस चैप्टर में क्या देखेंगे, क्या पढ़ेंगे, चित्र कथा है। मैं टेक्स्ट बुक लेती हूँ, आप भी अपना टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए, ओके। और इसमें दिखाया गया है कि हमें एक दूसरे के साथ कैसे मिल के रहना चाहिए, और इसमें सब्जियों के बारे में बताया गया है कि सब्जी का कैसा रंग रूप, कैसा आकार, कैसा स्वाद, और उससे हमें खाने से क्या क्या फ़ायदा है, इसके बारे में बताया गया है। तो ओपन योर टेक्स्ट बुक, आप टेक्स्ट बुक ले लीजिए बच्चों, चैप्टर नंबर 9 पार्ट 1, कैसा सो, है ना। फिफ्थ स्टैंडर्ड, डेट 3/12/20 है, थर्सडे, ओके। चलिए, तो ये है आपका फिफ्थ स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक, ओपन कीजिए, चैप्टर नंबर 9, कैसा सोर में आपको पिक्चर दिखाया गया है, जो मैंने यहाँ पिक्चर ड्रॉ करके रखा है। ये ट्री है, ये स्माइली, और यहाँ कौन है इसमें, बिरजू चाचा जी सो रहे हैं लेटे हुए, तो इनके बारे में बताया। ये मैंने चिली मिर्ची का पिक्चर बनाया, बैगन का बनाया, ओके। तो उसी तरह से आपको इसको बारे में मैं बता रही हूँ, और आपके लिए होमवर्क और चार्ट पेपर का है कि आपको ऐसा प्रैक्टिकल एक चार्ट पेपर लेना पड़ेगा बच्चों, ओके। ऐसी चार्ट पेपर लेनी पड़ेगी, और इस चार्ट पेपर में आपका सब्जी का पिक्चर बनाना है। ड्रॉ कर सकते हैं तो अच्छी बात है, ड्रॉ कर दीजिएगा, और नहीं तो आप पिक्चर स्टिकर मिलता है वो चिपका सकते हैं, और आपको उसके बारे में 1-2 लाइन लिखना है। ये आपके लिए घर बैठे होमवर्क है, छोटा सा एक प्रोजेक्ट है जो मैं आप सब बच्चों के लिए देना चाहती हूँ। तो आई होप आप वीडियो देख के, वीडियो के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं और इसे जान सकते हैं। आपके पास टेक्स्ट बुक होगा, उसके बारे में आपको रीड करना होगा। मैं तो आपको एक्सप्लेन करके बता रही हूँ, बट आपको अपने घर पे भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चार्ट पेपर लेना पड़ेगा, इस चार्ट पेपर पर सब्जियों का नाम और उसकी पिक्चर बना के उसके बारे में आपको लिखना होगा, ओके बच्चों। चलिए, मैं आपको बता रही हूँ, है ना, यहाँ देखिए, ब्रिंजल, ओके, ये आपका बैगन है ना, फिर इसमें है चीली है, बहुत कुछ। चलिए, नाउ स्टार्ट, कैसा सो, ये चैप्टर का नाम है, आप निकाल लीजिए। कैसा सुर में इसके संवाद के चित्रों के द्वारा सब्जियों का क्या दिया गया है, परिचय दिया गया है, इसके बारे में आपको बताया गया है, है ना। तो है, बिरजू चाचा ने अपने खेत में सब्जियां बोई थी, मीन्स उसमें क्या किया था, सब्जियां बोया था। दोपहर का समय था, बिरजू चाचा पेड़ की छाया के में आराम कर रहे थे। आप ये देख लीजिए ट्री, यहाँ मैंने ट्री बना रखा है, पेड़ बना रखा है। ये बिरजू चाचा क्या कर रहे हैं, अपने खेत में सब्जी बोए थे, तो उसके बाद से दोपहर का समय था, तो क्या किए थे, आराम कर रहे हैं, ओके। पिक्चर के द्वारा मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, आराम से लेटे थे, उन्हें नींद आ गई, यानी कि वो सो गए। तब खेत की सारी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हुई, खेत
के सारी सब्जियां क्या हो गई, खेलने के लिए कटे। बच्चों आप घर में जब रहते हैं तो आपको भी खेलने की इच्छा होती है, उसी तरह से हमारे सब्जियों को भी अपने आप में बात करने की इच्छा होती है, खेलने की इच्छा होती है, सोने की इच्छा होती है। तो इसमें यही बताया गया है कि बैंगन, आलू, मूली, गाजर, कैप्सिकम, शिमला मिर्ची, गोभी, जो भी फ्लावर वेजिटेबल है, एक दूसरे से कैसे बातें कर रहे हैं और सबका क्या क्या महत्व है। ओके, तो सर खेलने के लिए वो क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं, ये सभी खेलते खेलते नोक झोंक में पर उतर जाते हैं। जैसे बच्चे हम आप सब एक दूसरे से मिल के खेलते हो ना, तो खेलते खेलते कैसे आप दोनों सब लड़ने लगते हो कि आपने ऐसा किया, आपने ऐसे किया। उसी तरह सब्जियां सब इकट्ठा होती है, वो भी खेलने लगती है, थोड़ी देर के बाद उनके साथ भी नोक झोंक होने लगती है। ओके, तो नोक झोंक, आलू ने कहा, यहाँ आलू का पीछा, आलू ने कहा मैं सब सब्जियों में सरताज हूँ। आलू ने कहा मैं सब सब्जियों में सरताज हूँ, सभी सब्जियों मेरे बिना क्या है, अधूरी है। आलू कहता है कि मैं सब सब्जियों में सबसे श्रेष्ठ हूँ और मेरे बिना सारी सब्जियाँ क्या है, अधूरी है। आपने देखा होगा मम्मी, दीदी, दादी कोई भी घर में खाना बनाता है तो कोई ग्रीन सब्जी के साथ उसमें आलू जरूर डालता है, पोटैटो है ना, तो उसमें दो चार डाल सकते हैं अपने खाने के अनुसार, है ना, जिसकी जितनी हो। तो इसीलिए आलू बोला है मैं सारे सब्जियों में सरताज हूँ, मेरे बिना सभी अधूरी है। बच्चों बूढ़ों को मैं बहुत भाता हूँ, आलू सबको अच्छा लगता है, आप खाते हो ना, तो आलू का हम सब्जी बना सकते हैं, छोटा छोटे पीस करके फ्राई बनाते हैं, चिप्स भी अच्छा लगता है, वेफर कितना अच्छा लगता है ना। तो आलू के हम हर तरह से कितने सब्जी प्रकार के बना सकते हैं, चाट, चिप्स, टिकिया जैसी चटपटी और मज़ेदार खाने की चीज़ें मुझसे ही बनती हैं। आलू क्या बोल रहा है कि चाट, चिप्स, टिकिया, चटपटा जितनी खाने की सब्जियां हैं वो सब किससे बनती है, मेरे से ही बनती है। फिर मटर ने कहा मैं आलू का मित्र हूँ, मुझे भी लोग बहुत पसंद करते हैं, तब से उछल कर बाहर आ गया और कहने लगे हमें भूल गए क्या, कई प्रकार की सब्जियां, पुलाव और चटपटी कचौड़ी के जान हम उसी पर और गाजर कूद पड़े, उसी पर क्या करते हैं, गाजर कूद पड़ते हैं ना, कई प्रकार की सब्जियां चटपटी लगती है तो गाजर उसी पे कूद पड़े। फिर रायता, कोफ्ते, उसी समय लौकी और गाजर कूद पड़े, रायता, कोफ्ते और हलवा हमारे बिना कैसे बन सकता है। दूधी यानी कि लौकी भी बोल रहा है कि मेरे से रायता बनाया जाता है, गाजर बोल रहा है मेरे से हलवा बनाया जाता है, अगर मैं ना रहूँ तो ये सब कैसे बन सकते हैं और आप कैसे खा सकते हो। ओके, दूधी बोली, गाजर ने बात काटते हुए कहा हलवा तो मेरा ही बनता है, मेरा रूप रंग दिखा है, कितना सुंदर लाल रंग है, मेरा नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। गाजर बोलता है कि मेरा रंग रूप देखा है, मेरा रंग कितना सुंदर लाल है, कि देखते ही लोगों का नाम लो कि गाजर, तब तक सबके मुंह में पानी आ जाता है। हलवा मेरा कितना अच्छा बनता है, हलवा का नाम गाजर का हलवा आज मम्मी ने बनाई है, तो सुनते ही बच्चे दौड़े चले आते हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगता है। ओके, मेरा हलवा कितना सुंदर लाल रंग मेरा है, मेरा नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं, यह सुनकर आगे आई, मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ, सब्जियों में के अलावा कचुमर में, सलाद में भी मेरा स्थान है ना। वो आगे आ जा रहा है और बोल रहा है कि सब्जियों में भी मेरा कचुमर मेरा ही स्थान है। मिर्ची पीछे क्यों, मिर्ची बोलती मिर्ची पीछे क्यों रहे, ये भी कहने लगी मैं, सभी चुप हो जाइए, मेरा बिना सबकी क्या कीमत, मिर्ची बोलती कि मेरे बिना सबकी क्या कीमत, मेरे बिना सभी सब्जियां फीकी है, सब अपना अपना महत्व बता रहे हैं। मैं पतली और चुस्त हूँ, मैं भी कोमलता के अनूठे स्वाद की प्रशंसा करने के लगी, अब
कैसे चुप बैठे, वह बोलते जा रहे थे तो टमाटर ने उसे बीच में रोक दिया। मेरा नाम सुनते ही बच्चे दूर से भागते हैं, मेरा खट्टा मीठा स्वाद सबको प्यारा लगता है। क्या लगता है? मेरा खट्टा मीठा सबको स्वाद प्यारा लगता है। यह बात सुनकर चिल्लाया और बोला, सिर्फ रूप ही काफ़ी नहीं, ज्वर जैसी बीमारियां ठीक करने से मेरा प्रयोग करते हैं। आखिर में कालीगदार आया। कालीगदार किसको बोलते हैं? ये बैगन। आखिर में बैगन राजा आते हैं जिसके ऊपर कलकी लगा हुआ था, इसको बैगन को बोलते हैं। आप ये पिक्चर देख रहे हैं, ट्री बनाया हुआ है, इसमें बिरजू चाचा सोए हुए हैं, स्माइली ही बोल रहे हैं, इसके लिए मैंने बनाया है ना। तो वो बोल पड़ते हैं कि दोस्त, उसने सभी को शांत करते हुए कहा, दोस्त आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही। कल्की यानी कि बैगन बोल रहा है कि दोस्त मेरे मित्र आप सब अपने अपने स्थान पे बिल्कुल सही हो, बट मिलजुल कर रहने में भी हमारी भलाई है। सभी का उपयोग अपने अपने जगह पर, सभी सब्जियों का महत्व अलग अलग है और सब जरूरी है, सब हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। सब में कुछ ना कुछ ऐसा गुण है जो हमारे शरीर में फायदेमंद है और सबके बिना, एक दूसरे के बिना कहीं ना कहीं एक अधूरा है। जैसे हमारे पास ये 5 फिंगर्स है तो हमें कुछ भी काम करने के लिए पांचों को जोड़ना पड़ता है, पांचों मिलते हैं तभी हम कोई कार्य कर सकते हैं। अगर एक नहीं काम करे तो हमें काम करने में कितना डिफिकल्ट होता है। इसी तरह सब्जी बैगन राजा सबको समझाता है कि मित्र दोस्त हम सब एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे हैं, सब उपयोगी हैं, सबका अलग अलग अपना अपना स्थान है और हम सब एक दूसरे के लिए लाभदायक पूर्ण हैं। कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ बिना सब्जी में डाला जाए, उसे उपयोग लिया जाए, उसका प्रयोग किया जाए और मिक्स करके बनाया जाए तो वो सब्जी में स्वाद नहीं आए, बल्कि उसकी स्वाद और बढ़ जाती है, हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। ओके बच्चों, तो यूनो आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए सब्जियाँ खाना कितना ज़रूरी है। हमें पालक ग्रीन सब्जी खाना चाहिए ताकि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। गाजर, मूली, पालक, बैगन, मटर, फूलगोभी, बंद गोभी, ये सब सब्जी हमारे लिए लाभदायक फूड होते हैं। ओके, तो फिर इसमें ये सारे आपने पिक्चर देख लीजिए, ये सारे सब्जी, चुकंदर, गाजर, आलू, फूलगोभी, मिर्ची, सबके पिक्चर दिखाई दें, को मिलकर बनाया कचुमर लिजतदार होता है। ओके, आलू, मटर, भिंडी, बैगन, फ्लावर से बनी सब्जियां मनभावन बनती है। सबको जब सब्जी को मिक्स करके बनाते हैं तो वो सब्जी क्या होती है, बहुत मज़ेदार और मनभावन होती है, सबको अच्छा लगता है। ओके, तो मिर्ची, धनिया पत्ता, अदरक जैसे मसाले रसोई के स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? मिर्ची, धनिया पत्ता, अदरक जब हम सब्जी बनाते हैं, आप देखे होंगे अपने घर में दीदी मम्मी बनाती हैं सब्जी तो आपको बहुत अच्छा लगता होगा, तो उसके ऊपर हम सजाने के लिए धनिया पत्ता काट के डालते हैं, अदरक घस के डालते हैं, सलाद में उपयोग करते हैं धनिया पत्ता, अदरक और मिर्ची, ये सब सब्जियों में काम आते हैं, उससे और सुगंध और स्वाद बढ़ जाता है। इस तरह हम एक साथ घुल मिलकर और भी मज़ेदार हो जाते हैं। ये वो क्या बोल रहा है कि एक साथ हम मिलकर और भी मज़ेदार हो जाते हैं। ओके, इतने में बिरजू चाचा जग उठे। बिरजू चाचा जो यहाँ सोए हैं वो क्या करते हैं, जग जाते हैं। वो बेचारा, उन्होंने क्या किया था स्टार्टिंग में, सारे सब्जियों को खेत में बो दिए थे, दोपहर का समय था, पेड़ दिखा था, उस पेड़ के नीचे वो आराम करने गए थे, तब तक उनको नींद आ गई और वो सोए रहे। उसके थोड़ी देर में सारे सब्जियों को मन हुआ कि हम लोग क्यों ना खेलने के लिए निकले और सारी सब्जियां एक साथ इकट्ठा हो गई, इकट्ठा होकर एक दूसरे से तर्क वितर करने लगते, जितने सारे हम बच्चे गर्ल्स जो भी मिलते हैं तो कैसे हम बातें करते, तो बात करते करते उन दोनों सब्जियों में नफा जुटी
वाली होती है कि सबसे अच्छा मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मेरा रंग रूप अच्छा है, मेरा रंग अच्छा है, मेरा आकार अच्छा है, मैं सब्जियों में सरताज हूँ, मेरे बिना सब्जियाँ अधूरी है, सब अपने अपने बारे में अपने अपना महत्व बताने लगे। ओके बच्चों, तो इतने में बिरजू चाचा जग उठे, सभी सब्जियां इधर उधर भागने लगी, लौकी, करेला और ककड़ी। बोले, पर जा बैठी शकरकंद, आलू, गाजर, बीट जमीन के अंदर घुस गए, भिंडी, मटर और टमाटर पौधे की डालियों पर छिप गए। बिरजू चाचा अपने काम में मशगूल हो गए, है ना। इसमें क्या है, देखिए इस सब्जी में क्या क्या दिखाया गया है आपको, यहाँ पिक्चर दिखा देती हूँ मैं। देखिए ये ककड़ी है ना, ककड़ी, लौकी, करेला, शकरकंद, आलू, गाजर, बीट जमीन के अंदर घुस गए, भिंडी, मटर, बैंगन, टमाटर पौधे की डालियाँ पर छिप गए। इसमें क्या दिखाया गया है, कौन सी सब्जी जमीन के अंदर होता है और कौन सी सब्जी डाली के अंदर होता है। तो इधर उधर भागने लगे लौकी, करेला और ककड़ी, क्या बेलों पर जा बैठे। बेल पर कौन कौन सी सब्जियां उगती हैं बच्चों, लौकी, करेला, ककड़ी, ये सब पेड़ के ऊपर होते हैं। ओके, और जमीन के अंदर कौन से होते हैं, शकरकंद, आलू, गाजर, बीट जमीन के अंदर घुस गए। जब बिरजू चाचा उठते हैं तो सब सब्जियां अपने अपने प्लेस पे चले जाते हैं। एज फॉर एग्जांपल, जैसे बच्चे खेल रहे होते हैं गार्डन में या कहीं भी, तो उसका मालिक आ जाते हैं, तो कैसे आप सब छुप जाते हो ना, कोई इधर जाता है, कोई उधर जाता है, उसी तरह से जब बिरजू का जग जाते हैं तो सारी सब्जियां अपने अपने जगह पे चली जाती है। जो जमीन के अंदर उगता है वो जमीन के अंदर चला जाता है, जो बेलों पर जाता है वो बेलों पे चला जाता है। ओके, पौधे को डालियों पर छिप जाते हैं। बिरजू काका अपने काम में मशगूल हो गए। तो ये चैप्टर आपका यही कंप्लीट हो जाता है बच्चों। आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि हमारे सब्जियां हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है और कौन से जमीन के अंदर उगता है, कौन बेलों के ऊपर डाल पे उगता है। तो डाल पे उगने वाली सब्जियां कौन कौन सी है, ये आपने देखा कि ये डाल पे है, क्या है, ये बैंगन, ये मैंने मिर्ची का पिक्चर बनाया। और जमीन के अंदर कौन कौन से सब्जी आते हैं, मैं आपको ड्रॉ करके दो चार पिक्चर बता देती हूँ। जैसे हमने बनाया आपके लिए आलू, पटेटो, आलू ऐसे है ना, ये आपके लिए आलू। ओके, ये क्या है, जमीन के अंदर आता है, जमीन के अंदर उगता है, ये इसकी डाली नहीं होती। इसको उगाने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों, आपको मालूम है, जब हमें आलू चाहिए तो आलू से आलू कैसे आएगा, तो उसके लिए पुराने आलू होते हैं। आप घर में प्रैक्टिकल करके देखना, आलू को आप रख दोगे तो दो चार दिन के बाद देखना उसमें आंखें व्हाइट कलर के अंकुरित जैसा निकलता है। ओके, तो वो बिरजू चाचा या कोई भी जो किसान है जो खेत में सब्जी बोते हैं, तो उसको क्या करते हैं, हम आलू को पीस को काट देते हैं और जो उसमें जो अंकुरित जो निकला हुआ था टहनी ना, उसको मिट्टी के अंदर खोद के डाल देते हैं, तो उसी से उसमें से पत्ता निकलता है, पेड़ निकलता है और वो जमीन के अंदर मिट्टी में डालते हैं, तो वो जमीन के अंदर आलू उगता है। उसी तरह से शकरकंदी का भी होता है और गाजर, मूली, वो सब जो जमीन के अंदर होता है, फिर उसमें पत्ते निकलते हैं, बहुत दिनों के बाद आप निकाला के, तो उस आलू के अंदर, जमीन के अंदर से आलू में एक दो चार कितने सारे आलू के गुच्छे भी बने हुए होते हैं और वो हमें आलू प्राप्त होता है। तो ये आपका क्या है, शकरकंदी। फिर चुकंदर भी होता है ना, चुकंदर का कैसे पिक्चर बनाएंगे हम, ये आपका है ना। फिर गाजर, ये आपके लिए गाजर। ओके, मूली, मूली आपको खाना अच्छा लगता है, इसमें बहुत सारे पत्ते होते हैं ना, मूली में बड़े बड़े पत्ते होते हैं। ओके बच्चों, तो आप ये पिक्चर देख रहे हैं ना, ये सब्जी है, यहाँ हमने क्या बनाया, आलू, ये कौन सी पिक्चर है, आलू। ओके, आप देख रहे हैं ना,
आलू, बैगन बेच पाता है, बैगन ओके, ये बैगन भिंडी की पिक्चर, भिंडी ऐसे ये आपके लिए भिंडी है ना, ये भिंडी है ना, ये भिंडी की पिक्चर मैंने बनाया। इसी तरह से बच्चों आपको ये पिक्चर बनानी है और चार्ट पेपर पर होमवर्क के लिए आपको करना है ना। मैं आपके लिए होमवर्क दूंगी, आपको होमवर्क बनाना है। और ये आलू है, फिर अदरक, हरी मिर्च, ये मिर्ची है आपकी, अदरक का आपका अदरक, ओके आप इसमें से पिक्चर देख सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, ये आलू, चुकंदर, मूली, गाजर, ओके बच्चों। तो ये लेक्चर कंप्लीट हुआ, अभी हम आपके लिए शब्दार्थ लिखा दे रहे हैं है ना। चलिए आपको होमवर्क आज है, चार्ट पेपर पे आपको आपका होमवर्क है, ये चार्ट पेपर है ना। इस चार्ट पेपर में आपको क्या करना है, चार्ट पेपर ये आप ले लीजिएगा, आपको सब्जी का पिक्चर ड्रॉ करना है, उसका नेम लिखना है, उसके बारे में लिखना है कि जैसे बैगन सब्जी है वो किस कलर का होता है, उसका आकार कैसा होता है, उसके ऊपर कलकी होती है, फिर आलू, आलू सब्जी है तो वो क्या है, पत्ते के बारे में, हरी मिर्ची का स्वाद कैसा होता है। तो एक एक वर्ड, दो दो वर्ड आप लिख सकते हैं, नहीं हो तो आप पिक्चर ड्रॉ कर दीजिए। अगर उससे नहीं होता है तो इजी है, आपको स्टिकर आती है सब्जी का, वेजिटेबल्स का, वो स्टिकर आप चिपका दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 जो जो पेट है, फिर उसके बारे में दो दो लाइन लिखिए। यह आपके घर बैठे एक छोटा सा होमवर्क है, थोड़ा सा है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, इतना सा तो कर सकते हैं प्रोजेक्ट के लिए, तो आपको अच्छा भी लगेगा। ड्रॉ करके कलर कर दीजिए सब्जी के कलर, ओके बच्चों, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप जैसे मैंने आपको थोड़ा बहुत करके बताया कि मिर्ची डाली पे होता है, तो जैसे ये मैंने पेड़ बनाया मिर्ची, ये बैगन आपको पिक्चर से पता चल रहा है ना, तो उसी तरह से आपको ये काम करना है, ओके बच्चों। चलिए अभी आपके लिए मैं शब्दार्थ लिखा रही हूँ है ना, लिखे शब्द अनूठा, अनूठा, अनूठा मीन्स उत्तम, अधिक, उत्तम, आदित्य, ओके, ज्वार मीन्स बुखार, ज्वार, ज्वार मीन्स बुखार, बुखार, ओके है ना, बुखार, ताव है ना बोलते हैं, ओके, काफी, काफी मीन्स पर्याप्त,
पक्षी। पर्या सरताज, सर्वश्रेष्ठ। सरताज मीन्स सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ है ना, सरताज मीन्स सर्वश्रेष्ठ। ओके सम्मान, सम्मान मीन्स मान। ओके मान। आखिर मीन्स अंत, आखिर, आखिर मीन्स अंत। आखिर मीन्स अंत। तो ये आपका स्वादिष्ट, मजेदार, मजेदार। इरेज कर दो, चलिए यहाँ नहीं देती हूँ है ना। मजेदार, मजेदार मीन्स स्वादिष्ट, स्वादिष्ट। लिज्जत मने स्वाद, लिज्जत, लिज्जत मीन्स स्वाद। ओके है ना। तो ये आपका शब्दार्थ हुआ, ये आपका शब्दार्थ हो गया बच्चों। ओके चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपके लिए होमवर्क मैंने बता चुकी हूँ, तो आपको एक चार्ट पेपर में होमवर्क कर लेना है। ओके हैप्पी न्यू ईयर, वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर, हैव ए नाइस डे, स्टे होम एंड स्टे हेल्दी। ओके हरिओम।